जो भारतवर्ष में प्रांतों के चुनाव हुए, उनके जो एग्जिट पोल आए, और अगर एग्जिट पोल को माना जाए कि वो बहुत कुछ आने वाले समय में 10 तारीख को जो मतगणना होगी उसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं, तो ये विचारणीय है कि एक संदेश क्या जा रहा है। ये संदेश यह है कि किस तरह से जो एक खास किस्म का विमर्श या एक नरेशन भारतवर्ष में जो प्रारंभ किया गया, विशेष रूप से 1980 से, जो भारत के नरेशन का एक, जिसे कहें कि मौलिक एक विमर्श है, भारतीय परंपरा का विमर्श है, जिसमें एक विदेशी 1000 वर्ष के विदेशी शासन और उस विदेशी शासन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की संस्कृति को किस तरह से चोट पहुंची, जिस पर कई बार कुछ लोगों ने कहा कि यह सभ्यताओं का संघर्ष था, या कुछ लोगों ने यह कहा कि सभ्यता बनाम असभ्यता का संघर्ष था। भारत के लोग सभ्य थे और कुछ असभ्य धर्मावलंबियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। उसका जो एक मन में चोट पड़ी रही, और हिंदुस्तान जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़ा, उस लड़ाई में भारत के लोगों को एकजुट करने में जो पूरी भारतीय परंपरा के जो प्रतीकों का, उनके नरेशन का प्रयोग किया गया, और खासतौर से उस पूरे के पूरे नरेशन में जो दो बड़े महत्वपूर्ण नरेशन भारतीय परिप्रेक्ष्य से आए, एक सावरकर का नरेशन, जिसमें यह हुआ कि भाई हम लोगों को बहुत ही इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी संस्कृति को कितना चोट पहुंचाया जा रहा है, तो पहुंचाया गया। और दूसरा जो गांधी का नरेशन आया, किस तरह से भारत में एक सबको लेकर के चलना है, समावेश करना है। तो ये इस नरेशन में 1947 में हम देखते हैं कि कैसे गांधी का जो नरेशन है वो एक बड़ा स्वीकार होता है, और ये लगातार स्वीकार रहता है 1980 तक, जब एक नया नरेशन, एक नया विमर्श, एक नई नैरेटोलॉजी आती है कि कैसे ये कहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति की पहचान जो है उसको कहने में कोई शर्म करने की बात नहीं है। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है कि बनारस जो हमारे संस्कृति का केंद्र रहा, उस संस्कृति के केंद्र पर एक जैसे कोई चोट लगी हो, और वो लगातार चोट वहां मौजूद हो, जिसे लोग कहते हैं ज्ञानवापी में शंकर जी के मंदिर को कैसे तोड़ करके ऊपर से एक मस्जिद बनाई गई जो आज भी स्थित है। जो कोई भी उधर जाता है तो उसको दिखता है कि जैसे एक समय में एक भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या, जो 39 करोड़ 1947 में जो जनसंख्या थी, और उसमें किस तरह से भारत की जनसंख्या को, भारत के लोगों को, जो भी काशी आएगा, लगभग सभी लोगों को जीवन में एक बार काशी आने होता है, तो उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि ये क्या हो रहा है। और उसी अपमान को कैसे उन लोगों ने अयोध्या में देखा, वही अपमान उन लोगों ने किस तरह से वृंदावन में देखा, और इस सब बातों को उठा करके जो भाजपा है या जो उनके आनुषंगिक दल हैं, उन लोगों ने इसमें कोई बहुत किसी भी प्रकार का, जिसे कहते हैं कि आदमी शब्दों को बचा करके बोल रहा हो, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात होगी कि हम अपने धर्मस्थलों की जो पुरानी गरिमा है उसके अनुरूप हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ ही साथ जो एक बड़ी कर्मठ सरकार के रूप में कि नहीं, लोगों के जो जीवन की समस्याएं हैं, उनके मकान भी उनको मिलने चाहिए लाखों की संख्या में, उनके इज्जत घर भी मिलने चाहिए, उनको सम्मानी निधि भी मिलनी चाहिए, उनको जो है वो इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए जो 5 लाख तक की दवा मुफ्त करा सकें। ये सभी जो बातें मिल करके जिस तरह से एक सत्ता को जन्म देता है, और वो सत्ता के जन्म देने को जैसे लगता है कि एक लेजिटिमेसी मिलने जा रही है, एक वैधानिकता मिलने जा रही है। अगर ये सभी एग्जिट पोल सही कह रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो व्याख्या हो रही है या उत्तराखंड की व्याख्या हो रही है, या पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी के पक्ष में व्याख्या हो रही है, या मणिपुर में फिर भाजपा के पक्ष में जो व्याख्या है, और गोवा में कांग्रेस और भाजपा की जो व्याख्या हो रही, इन सभी को देखने से लगता है कि हमारे देश की जो राजनीति की दिशा क्या है, जिसे आप कह सकते हैं कि अपने पुराने गर्व को, अपने पुराने जो सम्मान है उसको कैसे पुनर्जीवित करने के जो प्रयास होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात न केवल देवस्थलों के सम्मान को प्राप्त करने की, बल्कि हमारे देश के जो आम व्यक्ति हैं, जिनके लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया, जो हमारे यहाँ अंत्योदय के व्यक्ति हैं, उनकी कैसे उन्नति की जाए। और ये एक बड़ा भारी एजेंडा बन करके आने वाले समय में होने जा रहा है कि किस तरह से एक अंत्योदय के पक्ष के लोगों को, जो गरीबतम है, जो प्रोग्रेस की सीढ़ी में, उन्नति की सीढ़ी में सबसे नीचे है, वो आज एजेंडा में प्रथम होने जा रहा है। आने वाले समय में उनको पुनः प्रथम करके उनके लिए बहुत सी योजनाएं जो है होने जा रही हैं। ऐसा हम इस चुनाव के परिणाम और इसका संदेश देखते हैं कि भारतवर्ष अपनी पुरानी जो उनकी वैदिक मान्यताएं हैं, जिन मान्यता में हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर देखने की मान्यता है, अपने जो तमाम धार्मिक जो प्रतीक स्थल हैं उनको सम्मान देने के स्थान की बात है, जो हमारे तमाम पुराने समय से जो नाम चले आ रहे हैं उन सबको कैसे संरक्षित करने का प्रयास है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति की गरिमा को कैसे संरक्षित किया जाए, उसके जो प्रयास होने का एक संकल्प दिखाई दे रहा है, एक सेवा का संकल्प दिखाई दे रहा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प का प्रयोग किया, तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में एक गुड गवर्नेंस हो रहा है और लिस्ट गवर्नमेंट के साथ अच्छी सरकार, लेकिन ऐसी सरकार जो गवर्नमेंट लीस्ट हो, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इनिशिएटिव को, जिसे कहते हैं कि अपने स्वयं के स्टार्टअप्स वगैरह को महत्व दे करके भारत में एक नए युग का जो आगमन हो, जिसमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के जनता खुद अपना भी और कई लोगों को रोजगार दे सके। तो इस इच्छा शक्ति वाली सरकार आ रही है, जो एक ऐसी फेयर डील की सरकार आने जा रही है, जो इन सब, उसके पास उसका अपना भविष्य का लक्ष्य भी तय है। उसको कभी जैसे अंधेरे में कोई हाथ बटोर रहा हो वैसा नहीं करना है। उसके लक्ष्य तय हैं कि हमें अपने गरिमा के अनुरूप अपने देश का पुनर्निर्माण करना है, और इसी के साथ ही साथ हमारे देश का जो आम नागरिक है, जो कभी कोरोना काल में या कभी कैसे बड़ी व्यथित अवस्थाओं में महानगरों से भागकर अपने गांव की तरफ आता है, ये परिप्रेक्ष्य। अब इसको अगर आप तुलना करें कि यूक्रेन में जैसे लोग जा रहे हैं, जो लोग यूक्रेन में जा रहे हैं उनके कपड़े, उनके ड्रेस देखिए, और कोरोना काल में जो भारत में जिस तरह से लोग भाग रहे हैं उनके ड्रेस और उनके कपड़े देखिए। मीलों पैदल भागे जा रहे हैं बच्चों को अपने बक्से पर बैठा करके। ये एक एजेंडा जो सेट हो रहा आने वाले समय में कि हर व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाने का, लगता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में ये सरकार जिनको कि मैंडेट मिलने जा रहा है जरूर ये करेंगे। अब एक जमाने में ये कहा गया कि बहुत से मेडिकल कॉलेज वगैरह हमारे यहाँ खुलने चाहिए। 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की जनसंख्या पर इतने मेडिकल कॉलेज यूक्रेन में खुले हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जाकर के पता नहीं कैसी पढ़ाई भी कर रहे हैं कि भारत में जब वो आकर के MBBS की परीक्षा देते हैं तो लगता है कि वो पास नहीं कर पाते हैं। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रांतों की सरकार ये भी एक नया संकल्प लेकर के जरूर आने जा रही है कि अगर हम अपने टाउनशिप को, अपने शहरों को, अपने गाँवों को अगर हम और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो उसमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से और इन्वेस्टमेंट करके अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे IITs ये सब बनाया जाए, जिसमें तुलनात्मक रूप से बाहर जाने के बजाय भारत में ही बच्चे पढ़ सके। एक आंकड़े के अनुसार जितने $बिलियन खर्च हो रहे हैं, बच्चे लोग जाकर के विदेश में पढ़ रहे हैं, उतने $बिलियन माने $1000 बिलियन या उससे पहले कम भी $बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, उतनी अगर विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो उतना पैसा अगर अपने ही देश में लगाए तो हमारे देश में एक बड़ी ऊंची छलांग देश ले सकता है। विदेश से भी लोग आपके यहाँ पढ़ने आ सकते हैं तुलनात्मक रूप से। जैसे आजकल मेडिकल की सुविधाएं आपके यहाँ तुलनात्मक रूप से अमेरिका के और यूरोप के सस्ते हैं, तो बहुत से लोग बहुत सी मेडिकल सुविधाओं के लिए भारत में आ रहे हैं, उनको लेने के लिए, हॉस्पिटल सिस्टम को यूज करने के लिए। तो इसी तरह से जो मेडिकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग का एजुकेशन या और भी तमाम मैनेजमेंट के एजुकेशन है, इन सब के फील्ड में भी कुछ अच्छे बातें हो सकती हैं, ऐसा इलेक्शन का ये परिणाम बता रहा है।